हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। माई सेल्फ पूजा चौधरी, और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होते हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस का क्लासिफिकेशन हुआ है वो चार पार्ट में हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था कि वो किस पे बेस्ड था, पर्पस के बेस पे मैंने चार क्लासिफिकेशन आपको बताया था। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं आपको ये पढ़ना है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको आगे भी ग्रामर पढ़ने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे ग्रामर पढ़ने में आपको और इजी होगा, ठीक है। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आप केयरफुल होकर देखिए। स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, मे बी कन्फ्यूज़न भी हो, बट आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वन बाई वन करके आप देखते जाइए आराम से। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है। एक हो गया आपका सब्जेक्ट और दूसरा क्या हो गया, प्रेडिकेट, ठीक है। क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। यहाँ पर मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा है कि कोई भी सेंटेंस है तो उसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा और ऑब्जेक्ट। ये नेसेसरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सारे सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिले, मे भी किसी किसी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्लियर। तो ये जो होता है ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि उसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट भी रहेगा, क्लियर। अब आप देखिए कि सब्जेक्ट क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट क्या है, आप पहले ध्यान से सुनिए कि सब्जेक्ट जो होता है जिसके बारे में बात हो रही है या फिर जो कार्य कर रहा है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है और जो कार्य कर रहा है, वो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या करता है, प्रेडिकेट हमको सब्जेक्ट के बारे में बताता कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है और क्या है, क्लियर। कि सब्जेक्ट के बारे में प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता कि सब्जेक्ट क्या है और क्या कर रहा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट में आता क्या, कैसे आप सेंटेंस देख के पता करोगे कि ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में बेसिकली क्या होता है, आपका नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, जेरंड होता है, इन्फिनिटिव वर्ब होता है, ठीक है। या तो आपको नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा या फिर जेरंड मिलेगा या फिर इन्फिनिटिव मिलेगा। तो नाउन क्या होते हैं, नाउन जो होते हैं ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब किसी भी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स का नाम अगर आपको मिले तो आप क्या समझ जाओगे कि वो नाउन में आएगा और नाउन आपका क्या है, सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं ना। तो जो भी नाउन की जगह पे यूज़ करने जाने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। और प्रोनाउन आपके होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ही, शी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं, आपके प्रोनाउन होते हैं। इसमें कोई नाम नहीं दिख रहा ना, इसमें क्या रहेगा, सब नेमिंग वर्ड्स रहेंगे, मतलब नाम रहेगा। नाउन में नेमिंग वर्ड्स होते हैं और प्रोनाउन में नाउन को रिप्लेस कर दिया जाता है ही, शी, इट, दे लगा के, ठीक है। तो ही, शी, इट, दे, ये सब आपको दिख जाए तो आप क्या समझ जाना कि वो प्रोनाउन है। बाकी डीपली हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, अभी आप फिलहाल इतना समझो कि जेरंड क्या है। जेरंड अगर वर्ब और प्लस आईएनजी। अब यहाँ पे देखिए कि वर्ब क्या होता है, जो भी एक्शन वर्ड है, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सो रहे हैं, तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो भी काम हम कर रहे हैं वो आपका किस में आ जाएगा, एक्शन वर्ड में आ जाएगा, मतलब कि वो वर्ब हो जाएगा। और जब हम उसी वर्ब में, जैसे हम क्या कर रहे हैं, राइट, अगर हम राइट में आईएनजी लगा दिए, मतलब कि वर्ब में अगर हमने आईएनजी ऐड कर दिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जेरंड बन जाएगा, क्लियर। कि वर्ब में जब भी आईएनजी लगा आपको मिले तो आप समझ जाना कि वो क्या है, जेरंड है। और इन्फिनिटिव क्या होता है, जब वर्ब के जस्ट पहले आपको टू लगा हुआ मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, आपका इन्फिनिटिव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये इतनी सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, सब्जेक्ट में आती हैं। अब नेक्स्ट आप देखो वर्ब में क्या रहेगा, वर्ब में एक होता है मेन वर्ब, उसमें ये रहेगा कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें सब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है,
तो वो आपका किस में आता है, मेन वर्ब में आता है, जैसे प्लेइंग हो गया, वॉचिंग हो गया, कुकिंग हो गया, तो ये सब आपका किस में आ जाएगा, मेन वर्ब में, मतलब कि क्या कर रहा है सब्जेक्ट। और नेक्स्ट होता है या तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, मे भी दोनों भी मिल सकता है या फिर एक भी मिल सकता है, क्लियर। तो हेल्पिंग वर्ब आपके होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल। तो अब हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो आप पता कैसे करोगे कि इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है। तो जो मेन वर्ब होता है वो बताता है कि सब्जेक्ट आपका कर क्या रहा है, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो ये बताता है कि किस समय में कार्य हो रहा है, मतलब कि आपको क्या बताएगा, टाइम बताता है किस समय में, किस अवस्था में है वो, काम कैसे हो रहा है, तो वो क्या बताता है। जैसे इज एम आर आ गया तो आप जान गए कि ये प्रेजेंट में है, वॉज वर आ गया तो ये पास्ट में काम हो रहा है, ये आ गया विल शैल आ गया तो ये फ्यूचर के लिए हो गया, क्लियर। तो मतलब हेल्पिंग वर्ब आपको स्टेट बताता है और मेन वर्ब आपको उसका वर्क बताता है। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप देखिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये कारक है जिस पर सब्जेक्ट के कार्य करने का असर पड़े, मतलब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और जिसके ऊपर उसका असर पड़े, मतलब उसकी क्या हो, अवस्था चेंज हो जाए। तो जैसे राम इज पुशिंग द डोर, अब यहाँ पे देखिए जो राम है ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि राम आपका क्या कर रहा है, राम नाम है ना, तो नाम क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन किस में आ रहा है, आपका सब्जेक्ट में आ रहा, तो इसलिए राम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। जैसा मैंने बताया था कि सब्जेक्ट क्या करता है, जिसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए राम आपका क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है, ओके। अब ये देखिए इज पुशिंग द डोर, डोर को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, तो डोर को पुश कर रहा है, इट मीन्स कि ये क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट, क्योंकि प्रेडिकेट हमें क्या बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा राम है और राम क्या कर रहा है, डोर को पुश कर रहा है, तो इज पुशिंग द डोर ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ओके। अब जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर प्लेइंग फुटबॉल, अब यहाँ पे यू है ना, तो नाम तो कोई दिया नहीं है, यू आपका किस में आएगा, यहाँ पे प्रोनाउन देखो तो इसमें क्या आता है, यू भी आता है, तो ये यू आपका क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है, और आर प्लेइंग द फुटबॉल, मतलब फुटबॉल खेल रहे हैं, तो कौन खेल रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो खेल रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट क्या कर रहा है ये आपका प्रेडिकेट हो गया, तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज रीता इज अ गर्ल, रीता एक लड़की है, तो रीता एक लड़की है, अब इसमें रीता आपका क्या हो गया, ये नाम है, तो नाम किस में आता है, नाउन में, नाउन किसके अंडर आता है, सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, रीता हो गया, और रीता क्या है, रीता क्या है, मतलब सब्जेक्ट क्या है ये हमें कौन बताता है, प्रेडिकेट, तो रीता एक लड़की है ये हमें कौन बता रहा है, प्रेडिकेट बता रहा है, क्लियर। अब जैसे यहाँ पे है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो यहाँ पे वॉकिंग, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ना तो कोई नाम आया है और ना ही कोई प्रोनाउन आया है, तो आप कैसे जानोगे कि ये क्या है, आपका सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो यहाँ से आप देखो जीरेंड में क्या मैंने बताया था कि अगर आपको वर्ब में आईएनजी लगा मिल जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे वॉक है और प्लस आईएनजी, कभी कभी क्या होता है इसको हम सब्जेक्ट के फॉर्म में जीरेंड को यूज़ करते हैं वर्ब में आईएनजी लगा के, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इस गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, वॉकिंग अच्छा है, तो ये कौन बता रहा है, प्रेडिकेट बता रहा, तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अब नेक्स्ट है टू रन इज अ गुड हैबिट, दौड़ना अच्छी आदत है, तो यहाँ पे क्या है टू और वर्ब, अगर आपको पहले मिल जाए टू और वर्ब, सब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे काम कर रहा है, और इज अ गुड हैबिट ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, क्लियर। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।